इसको एकदम जमीन पे कर दिया, ये देखिए किस तरह से कर दिया एकदम। तो इस पेड़ को भी ले जा करके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हम लोगों का तो दशा रात का तूफान ने ऐसा कर दिया कि हम लोग मरते मरते बचे हुए हैं दोस्तों। एकदम देखिए सभी लोग एकदम, हमारा पूरा सब कुछ उजड़ गया है, कुछ बचा नहीं है दोस्तों। और बहुत दुख की बात है, सबका उजड़ा हुआ है, एक मेरा ही नहीं। और दोस्तों देख लीजिए किस हालत में है हमारा तालाब घर। और इसी तरह से चारों ओर पूरा गांव एकदम तहस नहस होता चला गया है, जिधर से ये गया है तूफान टोटल। और वहाँ पे अतवरिया के पास तो समझ लीजिए, अभी दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या हुआ। और देखिए अब हम लोग कहाँ रहेंगे, और हमको चोट बहुत तेज़ लग गया है दोस्तों, पैर में चल नहीं पा रहे हैं। ये देखिए हमारा घर कैसे उजड़ा हुआ है, और ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या करें। और एक भी कुछ सामान बचा नहीं है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। यहाँ हम लोगों का कपड़ा वाला रेंगनी था यहाँ पे स्टार्ट के पास, तो ये पूरा पता नहीं कहाँ कपड़ा चला गया है, पते नहीं है। देखिए पूरा घर को ढाह दिया है इसी पर, और इधर वाला छप्पर लेके चला गया है, पता नहीं कहाँ लेके गया है, वो भी पता नहीं। ये देखिए किस तरह से कर दिया एकदम, पूरा नोच नाच के। इतना तेज़ हवा था, इतना तेज़ तूफान था दोस्तों, पूरा नोच दिया है। और हमारे पैर में चोट बहुत तेज़ लगा है दोस्तों, मरने से बचे हैं हम भी और पूरा परिवार भी, सभी लोग। और दोस्तों देखिए हमारा पैर कैसे हो गया है, ये देखिए। इस पे हम हल्दी चूना रात को छपवाए थे, इस पर पूरा चोट लगा है बहुत तेज़। तो दोस्तों ये दिखाने पे यूट्यूब में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा चोट लगा है, ये सोचिए कि हमारा पैर टूटने से बचा है। और पूरा तहस नहस कर दिया घर का। जब ये दशा है तो आदमी को कहाँ ले गया होगा, आप लोग सोच सकते हैं। और रोने धोने से क्या होगा, सबका यही दशा है दोस्तों, तो रोने से क्या होगा। खैर दोस्तों हम लोग का देखिए कि आप लोगों के मन में आता होगा कि बचे हो कहाँ, इसी में हम लोग थे दोस्तों, पूरा परिवार सोए हुए थे। जब तक उठा हवा तो हम सोचे कि चलो धीरे धीरे, रोज आता ही है कभी कभार, तो यही सब सोच करके चूल वूल ढाँप दिए बोरा से, और जाके फिर थोड़ा सोने के लिए बैठे जाकर बिस्तर पे, जब तक एकदम तेज़ होता गया आप लोग, हम लोग इसी में घेर आ गए। और घेर आने के बाद दोस्तों ये जब नोचने लगा, एकदम तेज़ हवा चलने लग रहा था कि नीचे से ही उखाड़ के लेके चला जाएगा, लेकिन नीचे से नहीं उखाड़ पाया, ऊपर का सब उखाड़ दिया। बारिश था और थोड़ा छोटा वाला पत्थर था, तो पूरा एक भी कपड़ा बचा नहीं दोस्तों, सब एकदम उजड़ पुजड़ कर दिया। और हम उधर नीचे में गिरे तो चोट हमको लगा, देखिए बता रहे हैं कहाँ पे गिरे थे। देखिए वो जो नाव है, उसी नाव पे हम, देखिए वहाँ कोने में वो जो है ऊपर का मंगा, उसी पे जा कर के हम गिरे सीधे धड़ाम, और ये हमारा पैर वहीं पे, तो देखिए ये वहीं पे जा कर के गिर गए। और समझ लीजिए कि होश खो बैठे, बेहोश के समय हो गए, और बच्चे लोग इसी में चिल्ला रहे हैं। चाहे कोई भी हो, प्राकृतिक से आगे नहीं जा सकता, लेकिन आज हमने इतने मजबूर थे कि सब कुछ होते हुए भी, हाथ पांव होते हुए भी हम अपने परिवार का बचाव नहीं कर सकें, और ख़ुद का भी बचाव नहीं कर सके दोस्तों। फर्स्ट बार में ही हम जाके गिरे और चोट लग गया ऐसा कि फिर बेहोश हो गए। और उधर बारिश हल्का हो रहा था और छोटा छोटा पत्थर आ रहा था, और उसी पाकी में धस गए, जा कर के गिर गए, पूरा भीग गया था समझिए। उस समय बारिश खुला तो सभी लोग, पूरा हाहाकार मचा था गांव में, एक दूसरे को या अपने आप को सभी लोग संभाल रहे थे, कोई कहीं दबा गया था, कोई कहीं गिर गया था। अब समझिए कि सभी लोग वही में चिल्लाने में थे, तो कौन किसके पास आए, सब अपना अपना दुख में थे। और देखिए ऐसा हो गया, इसी में ये लोग कैसे बचे हैं, भगवान बचाए हैं और भगवान ही जाने। तो दोस्तों अभी बच्चों को तो खैर कोई चोट नहीं ज़्यादा है,
और इनको भी हल्का सा चोट है, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा चोट है क्योंकि हम ना गिरे तो अगर पानी में गिरे होते, पानी नहीं था दोस्तों, इधर देखिए इतना बारिश हुआ है कि पूरा तालाब भर गया। और ये देखिए इसका दरवाज़ा पता नहीं कहाँ है, नोच करके उधर ले जाके फेंक दिया। और ये देखिए यहाँ पे अतवरिया थी तो उसके लिए भी आने का हमको होश नहीं था, देखिए क्या हुआ। ये पूरा इस पेड़ को, ये कनेल का फूल था दोस्तों, तो इस पेड़ को भी ले जा करके पटक दिया है, जड़ से उखाड़ दिया। और अतवरिया को इसी खूंटे से बांधे थे यहीं पे, सोचिए ये बांस है जो इसका रक्षा कर रहा था, नहीं तो दूसरा पेड़ होता तो टूट के इसके भी ऊपर गिर गया होता। लेकिन ये यहाँ थी और देखिए जड़ से ये उखड़ गया है, अमरूद है ये इधर दब गया है, सब ये आ गया है और ये इधर झुका दिया अमरूद को, सबका नुकसान हुआ है दोस्तों। और एक इधर जो बकरी लोगों का, हम लोगों का था जिसमें बकरियों को बांधते थे, छोटा सा एक झोंपड़ी था, देखिए इसमें क्या दशा हुआ है, इसको एकदम ज़मीन पे कर दिया और बकरी लोग इसी में था, सोचिए बाएं बाएं ये लोग अपना इधर चिल्ला रहा था, बच्चे और अर्चना की मम्मी वहाँ ऊपर और हम नीचे में, सोचिए कि वो समय क्या होगा और उस समय आदमी क्या कर सकता है। अगर किसी से लड़ाई या झगड़ा हो तो आदमी पूरा पावर लगाता है अपने परिवार की रक्षा करने के लिए, लेकिन प्रकृति से आदमी कुछ कर नहीं सकता। वो सोचिए एक तूफान था तो उसमें हर आदमी मजबूर था, अगर कोई निकलता भी तो उठा के ले आके सीधे फेंक देता था। और देखिए अतवरिया को इधर खिला रहे हैं, देखिए भगवान इसको बचाए हैं, ये पशु है तो इसको तो अकल नहीं है, तो इसीलिए इसका रक्षा भगवान किए हैं, क्योंकि ये वहीं पे थी जहाँ पेड़ गिरा हुआ है और बकरी लोग उसमें चिल्ला रहा था तो ये लोग पत्ता खा रहे हैं। ये ऊपर वाला पेड़ गिरा है, देखिए यही वाला पेड़ टूट करके गिर गया यहाँ पे। और कई लोग इधर घायल हैं, जैसे हमारा पैर में चोट लगा है, ऐसे बहुत तेरे लोगों को लगा है, तो क्या किया जाए, सबका एक ही दशा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए कितना नुकसान हुआ है। और हम लोग अब कैसे क्या करेंगे, मुसीबत की बात ये है, पूरा ये बकरी का था ये भी गिर गया, तालाब घर को नोच दिया है, पूरा इस पेड़ को भी गिरा दिया है। तो दोस्तों देखिए इधर इसमें ही इसके अंदर सोच सकते हैं आप लोग कि इसके अंदर आदमी इसी में मतलब जैसे तैसे करके, और ये देखिए कद्दू गिरा हुआ है, तो इसके अंदर में ये लोग थे, ये टाट जो है इसके अंदर मतलब घर में ही ये लोग थे, और हम जब गिरे उधर जा कर के, जब एक बार उधर वाला टाट जब उखाड़ लिया, और देखिए उधर सभी लोग अपना अपना सरिया रहे हैं, भर 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 कर रहे हैं, और जब ये वाला टाट उखाड़ा दोस्तों, ये वाला उखाड़ दिया और इधर से फेंका उठा के, तो हम उधर चले गए और ये लोग के ऊपर टाट गिर गया, और टाट गिरने से कुर्सी बचाव कर दिया है, कुर्सी के ऊपर गिर गया टाट और उसी के नीचे थोड़ा जगह बन गया, कुर्सी के ऊपर टंगा गया, तो उसी में ये सभी लोग चिल्ला रहे थे और हम नीचे गिर के मतलब अनहोश हो गए थे कुछ देर के लिए। जब होश में आया, जब बारिश चालू हुआ थोड़े देर में ही, उसके बाद से हम पानी जब भीगा तो थोड़ा सा तब दर्द इतना कर रहा था ये पैर कि मतलब अब क्या बताएं, इतना मजबूरी है दोस्तों, मतलब हाथ पैर चलाने का बिल्कुल इच्छा नहीं, एकदम वैसे जैसे तैसे करके, और उसके बाद से उठ करके आए। और ये देखिए भगवान इसको बचा लिए हैं, और बाबू भी उधर है, उधर गांव में खेल रहा है, गया हुआ है बच्चों के साथ देखने, तो क्या है तो सबसे ज़्यादा दोस्तों ये मेरे पास रहती है, लेकिन मैंने ही इसको नहीं बचा सका क्योंकि मेरा पैर में चोट इतना लग गया, उठा के नाव पे फेंक दिया हमको नीचे में, और ये इसको गोद में ले गया, इसे ऊपर से पटाई हुई थी, टाट ऊपर से था और उसी में ये लोग चिल्ला रहे हैं,
सभी लोग, अब बकरी लोग वहाँ बाएं बाएं कर रहा, गाय वहाँ डे कर रही थी, अब कौन किसको बचाए। और हम थोड़ा सा ठीक होते तो प्रयास करते, लेकिन इतना तेज चोट ये लगा, लग रहा है कि यहाँ हड्डी क्रेक हो गया है, ऐसे मतलब समझ में आ रहा है, इतना दर्द कर रहा है। तो थोड़ा इसका एक्सरे भी हम कराएंगे और देख लेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है अंदर में। तो दोस्तों कहा वाह, सब कहाँ रह बुआ, अल्लाह बच्चों को क्या पता है कि क्या हुआ है। तो दोस्तों अब हम लोग कहाँ रहेंगे, दिक्कत यह है ना, ये भी चिल्ला रही थी और ये भी चिल्ला रहे थे कि कहाँ हैं, आइए आइए। बारिश और थोड़ा छोटा वाला पत्थर साथ में था और तूफान तो 150 के स्पीड में था दोस्तों। पेड़ खूंट सब कुछ, घर का ये दशा है, और कोई भी अपना घर कमज़ोर नहीं बनाता है, लेकिन पूरा गांव को तहस नहस करते हुए चला गया दोस्तों। एक चीज़ तो साबित हो गया कि अगर चाहे कोई भी कितना हो बलवान हो, तो वो प्रकृति के सामने 0 पॉइंट है, एकदम 0, कुछ नहीं है। और भगवान ही सब कुछ करते हैं, देखिए इस नन्ही सी जान को कुछ नहीं होने दिए, तो सब उन्हीं के हाथ में है दोस्तों। कर्म करिए, फल तो वो देने वाले हैं, लोग कहते हैं ये सच बात है। देखिए ये एकदम स्वस्थ है, इसको खरोच भी नहीं आया है। हमको इतना सबसे ज़्यादा चोट हमको है, और थोड़ा इनको ऊपर से टाट दाब दिया था, और बच्चा लोगों को हल्का फुल्का है। और बकरी लोग दू गो लंगड़ रहा है, दू गो चिल्ला रहा था, चलने का इतना चल दिए हैं, अब समझिए इतना दर्द बना लिया है। और दोस्तों पूरा सामान भीग गया था, तो अभी इसको अब धीरे धीरे कई दिन लग जाएगा बनाने में। शुरुआत में हम लोग बहुत मेहनत किए थे इस घर को बनाने में, पूरा अपना महीनों का मेहनत और पैसे इसमें झोंक दिए थे दोस्तों। लेकिन अब लग रहा है कि फिर से ऊपर वाले ने ऐसा कर दिया, या प्रकृति का देन है, चाहे जैसा भी हो, फिर से इस घर को बनाना पड़ेगा दोस्तों। और देख लीजिए एकदम तोड़ दिया है इसको, लोहा का खटिया, हाँ लोहा का था, इसको तोड़ दिया है। और ऐसे ही सभी लोगों का सामान उधर से कम से कम 5-6 किलो बीघा दूरी पर ले जाके जाल हमारे बिक दिले, दस दस बीघा दूरी पे, 5-5 बीघा दूरी पे ले जा करके फेंक दिया है, टूट गया। सबका नुकसान हुआ है दोस्तों आज, सभी लोगों का दशा यही है दोस्तों। और काउ मिल्किंग का समय हो गया है, लेकिन बैठ नहीं पा रहे हैं, तो मिल्किंग करने में थोड़ा दिक्कत आज होगा। और दोस्तों देखिए पवन जी के पास फ़ोन किए तो वो भी आए हुए हैं इधर, और उनका मतलब नुकसान कम हुआ है। आपका नुकसान कम हुआ है, इनका कम हुआ है, क्योंकि इनका नाम पवन है और पवन महाराज चल रहे थे, पवन माने हवा, तो पवन जी पर कृपा करके चले गए हैं। एक भी घर नहीं इनका हिला हुआ है, देख लीजिए 1 घंटा हवा चला है और बारिश और पत्थर, तो उतना समय झेले हैं इधर ऐसे हालात में। देखिए उसमें नीचे ये लोग दबाए थे और पानी में हम थे, जो कि उठ नहीं पा रहे थे, बहुत बाद में निकले उधर से, धीरे धीरे आ करके इधर से चढ़ नहीं पाए, तो वहाँ गए, वहाँ से चढ़ के और उसी तूफान में घिसेरते हुए आए इधर, और आके इन लोगों के पास में उसी में घुसे और जा करके उसी में चुपचाप, मान लीजिए पानी से क्या होगा, पानी से तो भीग रहे हैं बस, लेकिन डर था कि उठा के कहीं फेंक देगा, हाथ पाँव टूट जाएगा, तो इस चीज़ का डर था। तो हम लोग इसको नीचे वाला ये जो है इसको मजबूत बनाया है, तो इसको में हाथ लगा करके इसको पकड़े हुए थे, नहीं तो इसको ले कर कहाँ कहाँ गया, उधर वाला छप्पर उधर ले कर चला गया। तो दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा, और अब वीडियो नहीं दिख रहा है, अब घर का काम दिख रहा है कि इसको बनाना है। और अब देखिए चूल्हा, तो खाना भी आज शायद बनना मुश्किल है, भीगा हुआ है पूरा, और कोई लकड़ी लावना बचा नहीं है भीगने से, सबका भीग चुका है, तो खाना तो मिलना शाम तक मुश्किल है, सुबह तक शाम को कहीं मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों, पहले काउ मिल्किंग कर लेते हैं, और काउ मिल्किंग नहीं दिखा पाएंगे, और ये वीडियो हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं दोस्तों। और भगवान से दुआ करिए कि हमारा घर दोबारा फिर से धीरे धीरे बन जाए, क्योंकि किस परिस्थिति से गुजरते हैं आप लोग तो देखते ही हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर भैया लोग हैं। तो बाय कर दीजिए सभी लोग, पवन जी बाय करिए, बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।